अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और बताइए आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमारी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जा रही है बुलेट ट्रेन की तरह, एकदम फास्ट, कोई मसला ही नहीं है, सुकून से जा रही है हमारी ज़िंदगी। अब तुम्हारी नहीं पता तुम्हारी कैसी जावा थे ज़िंदगी, अच्छी जावा थे कि बुरी जावा थे कि आसान जावा थे कि मुश्किल जावा थे, पर हम जावत हैं मेडिटेशन, समझ रहे हो। सब्सक्राइब करवाओ यार, देखो सब्सक्राइब नहीं करना ना ठीक है, पर अनसब्सक्राइब नहीं करो, देखो दर्द होता है दिल में, बता रहा हूँ, हार्ट का पेशेंट हो जाऊँगा मैं अभी से, मज़ा नहीं आएगा ना, तो अनसब्सक्राइब नहीं करो। तो हम जा रहे थे और हमारी बिल्डिंग पे एक और बंदा, हमारी सल्तनत पे कोई कैसे आ सकता है, रुक बे कहाँ जा रहा है नंगे आदमी, बगैर कपड़ों के इंसान, पीटी तो। और इस तरह कुछ हमने जाते ही पहले किल और नॉक लिया। अब स्ट्रेटजी ये है हमारी, स्ट्रेटजी ये है कि दो बंदे हमारे नीचे हैं, दो ऊपर हैं, हम दोनों के पास गन है, तो ऐसा क्यों ना करें कि दो नीचे से जाएं दो ऊपर से जाएं, जो बीच में दो बंदे हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे। उन्होंने बोला चलो सर जी चलो, और हम जैसे ही गए भाई साहब क्या ही पेला है सर, कंफ्यूज हो गए। एक बंदे की HP दो, एक गोली भी लगी हुई, एक इंच भी HP नहीं गई और बंदा ख़त्म। लूट के भूखे हमारे टीममेट, ये तीनों भाई बहुत अच्छे थे। तो इसके बाद हम लोग एक किल सिक्योर करते हैं, और मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा किल चुराए हैं इसमें, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही किल चुराए हैं मैंने इसमें। हम लोग लूट कर रहे थे तो अचानक से मेरा एक टीममेट नॉक होता है, और वही बंदा मेरा दूसरा टीममेट नॉक कर देता है। तो ये टेंशन की बात थी, क्योंकि इस तरह कभी नॉक होते ना तो फिर डर लगता है, और डर मुझे जब लगा जब वो बंदा और करीब था, साउंड भी आ रहा था मेरे को, फिर वो आ जाता है मेरे सामने। तो जैसे ही आता है M4 पे क्या पेलते हैं उसको भाई, OP पेला है भाई, मज़ा ही आ गया। फिर फ़ौरन से जाएंगे, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले मैं रखता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करना, लूट वूट कुछ भी नहीं है, लूट वूट नहीं करा करो ठीक है, सबसे पहले रिवाइव, लूट वूट छोड़ो। हाँ तो हमने किया रिवाइव, और फिर हमने बॉट की बिरयानी बनाने के लिए एक अदद बॉट का भाई और एक अदद बॉट का बहनोई को बनाया, और अब चिकन डिनर की बिरयानी दम पे लगाई। फिर हमने गाड़ी निकाली और हम रवा दवा हो गए बंदों की तरफ, और एक बंदा चार बंदों से फाइट ले रहा, हमने बोला ये ना इंसाफ है, तो चार आप जाओ लॉबी, हम उन चार से फाइट लेंगे। फिर हमने इसको नॉक किया, फिनिश। किल चुराए मेरे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा किल चुराए मैंने। फिर लूट वूट की हमने, और सामने जो बंदे था हमें पता ही नहीं था बंदे, और टक करके एक शॉट आया तो ऐसा सुर से बजा वो कि हम कन्फ्यूज़ हो गए सर कि क्या ये दुनिया क्या ऐसी है। एक बंदा सामने से आते हुए देखा, लेकिन मुझे शॉट आया तो मैं जैसे ही कवर में आया तो बेचारे को ही गोली लगी, DP चला रहा था ये भाई, और देखना ये अब क्या करेगा। हम रश करने जा रहे हैं सिंपल, जैसे ही रश करने गए ये लेट गया घासों में और नज़र नहीं आया, पहले एक को नॉक और फिर मैंने भी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, और फिर मुझे भी नॉक। और फ़ौरन से देखो जब भी बंदा लेटा हुआ ना तो बंदे इतनी आराम से स्पॉट नहीं होते, तो फ़ौरन साइन कर दिया करो कि भाई बंदा यहाँ पे, ताकि वो बंदा भी अंदर गोली चला और लग के मर जाए वो। फिर फ़ौरन से हमने लिया रिवाइव, और अब दूर से शॉट्स आ रहे हैं कार 98 के, पट पट पट, तेज जा रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा वो साला है कहाँ पे, कोई दिखे तो मारे ना, क्या हवा में गोलियां चला दें, हवा को फाड़ दें, क्या मकसद क्या है, बंदा देखे ना पहले, बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो हमने बोला भाई देखो ऐसा जोन भी जाने वाला है, जोन आ रहा है तो यहाँ से चले जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं। हमें लगा ये घरों में होगा, लेकिन ये घरों पर नहीं, घरों के पहले पत्थरों पर था। तो हमने बोला भाई स्मोक सब फेंको, और मज़े की बात हमारे पास 6x है, लेकिन हम चारों ना असलाट AR वाले बने हुए, M4 बैरल ये सब है हमारे पास। और फिर मुझे बंदा स्पॉट होता है, अरे ये रहा की बहन का नाका, ऐसे कैसे ले, मैं मर जाता लेकिन जैसी गाड़ी आई तो मुझे कवर मिल गया और हम बच गया। फिर हम भाग के गए इसी के पास, और अब देखना कितने मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ किल चुराएंगे। पता नहीं किसने नॉक किया था उसके टीममेट को, मुझे बस नज़र आ गया, और सर भर दिया लोहा इसके अंदर, बराबर खून से ज़्यादा लोहा कर दिया इसके अंदर। पोस्टमार्टम करने से पहले डॉक्टर थर्राएगा ज़रूर कि ये लोहा क्या, पोस्टमार्टम कैसे करें इसका। दो नॉक सर फ्री के किल आए, मज़ा आ गया सर, 9 किल हो गए ऐसे ही चलते फिरते। और मैं बता दूँ इंशाल्लाह 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 अल्लाह करे, मेरा इस बार थोड़ा सा मूड है कि क्यों ना इस बार हम ऐस पे जाएं।
शायद चले जाएं शायद ना जाएं, क्योंकि लिविक है ना ये बहुत छोटा सा मैप है, तो अगर माइनस भी जल्दी हो जाते हैं ना तो प्लस भी जल्दी हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना जाया जाए इस बार इस पे। दो ही बंदे बचे हैं और इन बंदों से मैंने शर्त लगाई थी यार अगर चिकन डिनर होता ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, लेकिन इन भाइयों ने नहीं किया क्योंकि मैं नाम बताना भूल गया चैनल का। फिर एक बंदा नजर आता है यार ऑफलाइन खड़ा हुआ है। अब देखो नसीब क्या है, मेरी सेंसिटिविटी हिली है 4x, तो देखो 4x स्कोप कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी एक किल आके मुझको लग गया। मैंने एक बंदा मारा, उसके बाद एक बंदा मेरे टीमेट्स मार देंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। शाम पीनी हो वेल हो गया क्या बात है साग नहीं यार कौन था एमएन कोई।